What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well and fine. So aaj hai 31st of October and time hua hai 10:16 and बहुत फनी चीज है कि आज के दिनों में मैंने पूरा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है एंड अभी भी मैं रिकॉर्ड अभी करने के लिए मैं बैठा हूँ. सो आज मैंने पूरे दिन में कुछ भी शूट नहीं किया एंड उसके बाद मुझे लगा कि भाई आज किस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ. सो मैंने सोचा कि कल से जो मेरा रेगुलर रूटीन होने वाला है फिटनेस का, तो मेरा रहेगा ही रहेगा एंड वो तो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. बट बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या करे और क्या नहीं इन दी मोटरसाइकल्स. सो उसी के रिलेटेड में एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ. सो बहुत लोगों को राइडिंग करने का बहुत ही ज्यादा पैशन होता है, सब जगह पर राइड करनी होती है एंड और भी बहुत सारी चीजें होती है राइडिंग से रिलेटेड. तो आज हम लोग उसमें से एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो राइडिंग लगेज सॉल्यूशन. सो आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि मैं जब भी राइड पे जाता हूं तब मेरे पास एक ग्रीन कलर का बैग है और दूसरा जो है रेड कलर का बैग है. मैं वो हमेशा टाई करके जाता हूं अपने बाइक के बैग पे एंड उसी वहीं से मैं उसको जिप टाई से टाई कर देता हूं एंड साथ में मैं मेरी जो दूसरे पास बंजी कॉर्ड जैसी कॉर्ड है, मैं उससे भी पूरा का पूरा जो मेरा लगेज है मैं टाई कर देता हूँ. सो इज इट द राइट वे टू द लगेज सॉल्यूशन और नॉट, सो उसी रिलेटेड में बात करने वाला हूँ. सो नो दैट इज नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर योर राइडिंग एंड वो मैं प्रिफर इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक राइडिंग का लगेज लिया नहीं है. बट मेरे को आइडिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे ग्रुप में बहुत लोग वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एंड उन लोगों के साथ मेरा बातचीत चलती रहती है उसी के रिलेटेड है. तो मुझे आइडिया है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है एंड कौन सा नहीं. मैंने पर्सनली भी जाके देख लिया है एंड इन अपकमिंग माय डेज मैं वो चीजें लेने भी वाला हूँ एक टाइम के बाद, क्योंकि अभी मैं उतना बैक टू बैक राइड नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक टू बैक कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो मुझे अभी उतना जरूरत नहीं पड़ता है. सो आई डोंट थिंक कि इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट थिंग, दैट इज द थिंग. बाकी मैं लेना होता तो मैं कब से ले सकता था, बस इसीलिए एक रीजन ये था, वरना मैं कब से ले लेता. बाकी आज मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ टॉप 3 राइडिंग लगेज सॉल्यूशन. सो मेरे 3 फेवरेट है, मैं वही चीज आप लोगों को बताऊंगा. मैं ये नहीं बोलूंगा टॉप है, अच्छे है, ये है, वो है, फलाना लिमकाना, मैं वो नहीं बताऊंगा. कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा. सो मैं इतना मेमोराइज नहीं कर सकता इतनी सारी चीजें, तो मैंने एक मेरे सामने एक डायरी, उसमें मैंने मेरे को जो जो चीजें बता दी वो मैंने वो लिख दी और उसी के बारे में उसके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. सो विच थिंग आई डू एंड मैं वो झूठ वूट नहीं बोलना चाहता, मेरी मेमोरी इतनी शार्प है नहीं, पर मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, मेरे को कल ख्याल आया होता मेरे को वो याद नहीं रहता, तो ये कहाँ से याद रहेगा. सो ये चीज है, तो सबसे पहले आता है, सो सबसे पहले राइडिंग सॉल्यूशन में हम लोग बात करें तो टेल बैग. सो टेल बैग में मेरे पास 3 है और वो 3 टेल बैग के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना और वो चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ. सो सबसे पहला मेरा फॉरमोस्ट फेवरेट जो है वो राइनॉक्स का बैकपैक है, टेल बैग है. आप लोग अमेजोन पे आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा या फिर कोई भी राइडिंग की शॉप पे मिल जाएगा या फिर आप लोगों को राइनॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.rhinox.in या कॉम पे है आप लोगों को मिल जाएगा. ये दोनों में से मुझे प्रॉपर साइट का नाम याद नहीं है, मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से जाकर परचेज कर सकते हो. सो उसमें मेरे को जहां तक पता है उसमें ग्रे एंड ब्लैक कलर एक ही कलर आता है, दूसरा कोई कलर ऑप्शन नहीं मिलता आप लोगों को. सो बहुत ही प्यारा दिखने में है, उसकी कुछ फोटोज आप लोगों को यहाँ नजर आ जाएगी एंड बहुत ही प्यारी बैकपैक है. मैंने जो राइडिंग शॉप है जहां से मैं अपनी सारी राइडिंग गियर्स और सब कुछ लेता हूँ, मैंने वहां पे देखा हूँ, उसकी क्वालिटी देखी हुई है एंड वो लोग रेंट भी करते हैं, तो मैंने एक बार रेंट पे भी लिया हुआ है. सो विच इज गुड थिंग कि भाई मुझे यूज करने के लिए एक बार मिल गया था. सो उसकी प्राइसिंग
क्या होती है एंड क्या नहीं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसकी प्राइसिंग है 4,199 रुपीज़। सो इट विल कॉस्ट यू 4,200 रुपीज़। एंड उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेस मिल जाती है, आप लोगों को 42 लीटर्स की स्पेस मिल जाती है। एंड उसमें लुक्स बहुत अच्छे है, वाटर प्रूफ बैग है, उसमें आप लोगों को एडिशनली कोई कवर डालने की जरूरत नहीं है, वाटर प्रूफ ऑलरेडी आता है, कंपनी ही वाटर प्रूफ बनाया है। सो विच इज वन ऑफ द गुड थिंग इन दिस बजट। एंड मैं बजट वाइज भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, बट ये चीजें जो है वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। सो प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग साइड। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, मैं मान लूंगा कि भाई यस आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं है या फिर मेरा जो नॉलेज है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। सो दिस इज द फर्स्ट बैकपैक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ट्राइनॉक्स का टेल बैग। आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आप लोगों को मिल जाएगा ना, उसकी जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके फोटोज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे साइड में या यहाँ पे कहीं पे भी। सो दैट इज द वन बैकपैक विच आई लाइक पर्सनली एंड मैंने यूज किया हुआ, सो आई कैन से विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो उसके बाद आता है एक बजट बैकपैक। सो लाइक बजट बैकपैक इन द सेंस कि भाई बजट की भी बात करें तो अपने को बजट भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, सब लोगों के पास 4,500-5,000 रुपए नहीं होते हैं। सो उसके लिए भी मेरे पास एक बैकपैक है, उसके बारे में अपने सबसे लास्ट में बात करेंगे। बट बीच मिडिल कैटेगरी में भी अपने पास एक बैकपैक है, उसके बारे में बात करेंगे। सो That bag I haven't used personally, but yeah, I know someone who is owning that and मैं जिस शॉप से मैंने खरीदता हूँ वहां पर Rhinox की चीजें रहती है, जैसे मेरे पास Rhinox का राइडिंग जैकेट है, एक्सोर का मेरे पास हेलमेट है, तो मेरे पास सेम उन लोगों के पास भी एक्सोर का टेल बैग भी है जिसको वो लोग डफल बैग बोलते हैं। सो डफल बैग में आप लोगों को ऑलमोस्ट 4 स्टेप्स मिल जाते हैं टाई करने के लिए, प्लस 35 लीटर की आपको स्पेस मिल जाती है आपको स्टोरेज की। बहुत ही अच्छा लुक में है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है। एंड उसमें मेरे को एक चीज लगी थोड़ा मटेरियल का, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि उसमें कौन सा मटेरियल आता है। सो एक ये चीज थी कि मुझे मटेरियल मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं, मेरे ग्रुप वाले तारीफ करते हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ही अच्छा है, बट यस यू कैन गो टू द शॉप एंड आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो, आप लोगों को अच्छा लगे तो यू कैन बाय दैट। उसमें आप लोगों को 4 स्टेप्स मिल जाते हैं जो आप लोग अपनी बाइक के साथ टाई कर सकते हो बैक साइड पे, एंड आपका इजीली लगेज सॉल्यूशन हो जाएगा एंड आपको दिक्कत भी नहीं आएगी राइडिंग के टाइम पे। सो उसके आपको बूट स्पेस मैंने बता दी 35 लीटर्स की है। एंड उसका प्राइसिंग, सो उसका प्राइस आपको पड़ता है 3,799 रुपीज। सो 3,800 का बैकपैक आता है, पिछले वाले से ये 400 रुपए कम है। एंड इसमें आपको जो स्पेस जो मिल जाती है वो भी थोड़ी बहुत कम मिलती है, उसमें आपको 42 लीटर्स की मिलती थी, इसमें आपको 35 लीटर्स की मिलती है। सो यस दिस इज द थिंग विच आई नो एंड मैंने जितना भी गूगल पे सर्च किया उसके बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। सो मेरे को बैकपैक थोड़ा ओवर प्राइस लगा क्योंकि जिस हिसाब से उसकी क्वालिटी थी, जिस हिसाब से वो ट्रांसपेरेंट था, उतना मेरे को वर्थ इट नहीं लगा। बाकी थम्स अप टू द भाई साहब, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है आजकल, एक्सोर की भाई उन लोगों ने एक ऐसा बैकपैक बनाया है जो आपके बजट में आ सकता है, बट इसकी प्राइसिंग थोड़ी और 300-400 रुपए कम होती तो विच इज वेरी गुड। बाकी अपन आते हैं फॉरमोस्ट बैग जो बहुत राइडर्स को आप लोगों ने यूज करते देखा हुआ होगा। सो उसके रिलेटेड अपने बात कर लेते हैं वो कौन सा बैकपैक है कौन सा नहीं एंड उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं क्या क्या नहीं। सो बाइकर्स का फेवरेट है, मेरा नहीं, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मेरा फेवरेट नहीं है, उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरी बाइक के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, मैं दूसरी की बाइक के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ। सो वो है गार्डियंस गियर का, उसका एग्जैक्ट नाम मेरे को नहीं पता पर उसको भी टेल बैग ही बोलते हैं, गार्डियंस गियर का टेल बैग आता है जो आप लोगों को यहाँ पे फोटो साइड में दिख जाएंगे। आपकी बाइक की जो सीट रहती है उसके दोनों साइड में रहता है, लाइक वो ऊपर नहीं रहता, दोनों साइड में उसके जो बैग्स जो रहते हैं वो नीचे आपके हैंग होते हैं। एंड उसमें भी आपको 3 स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, आपको 50 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है 25 लीटर ईच साइड।
सो दोनों साइड आपको 25-25 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिल जाती है, विच इज वेरी गुड थिंग कि भाई सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसी में है और इस प्राइस रेंज में दूसरा कोई भी नहीं है. सो इट इज कॉस्टिंग यू अराउंड 3,200, विच इज वेरी थिंग गार्डियन गियर्स की लाइक बोलू तो बहुत अच्छे प्राइस रेंज में है, अच्छी स्पेस है, लुक्स आर नो डाउट गुड, बट फॉर मी इट इज नॉट वर्थ इट. उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी. बट इसमें आप लोगों को विद स्ट्रैप्स मिल जाता है, तो स्ट्रैप आप इजीली अपने बाइक के साथ टाई कर सकते हो. बाकी अभी इसमें मेरे को क्यों पसंद नहीं उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन कि मैं चलाता हूँ KTM Duke 250 एंड अगर मुझे उसमें माउंट करने हैं बैग तो मुझे अपनी सीट निकाल के ऊपर पहले अंदर से पूरा सेट करना होगा, उसके ऊपर सीट एंड ऊपर से वापिस स्ट्रैप आएगा. सो वो तो एक टाइम पे मैं कर भी सकता हूँ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं आएगी. बट द सेकेंड थिंग इज कि अगर मैं वो करता हूं तो मेरे पास सैडल स्टे भी होने चाहिए. अगर मेरे पास सैडल स्टे नहीं है तो पीछे से पूरे आप लोगों को पता होगा कि राइड करते टाइम आपकी बाइक बहुत ज्यादा हिलती है तो आपके बैकपैक्स भी हिलेंगे एंड उसके हिलने की वजह से आपके बैग के ऊपर भी अड़ सकता है या कहीं पर भी टच हो सकता है या फिर आपके उसका जो स्ट्रैप रहता है अगर आपने गलती से थोड़ा भी खुला छोड़ दिया तो आपके बाइक के टायर में भी आ सकते हैं, आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं. सो ये एक चीज मेरे को लगी इसमें अगर आपके पास सैडल स्टे है तो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग. एंड अगर ये प्राइस रेंज जो है 3,200 के अराउंड इसमें 3,200 के प्राइस रेंज में जो आप लोगों को मिलता है विच इज वेरी गुड थिंग, सब कुछ अच्छा है. बट जो सैडल स्टे आते हैं वो सेम प्राइस रेंज में आते हैं अराउंड 4,000. सो आप लोगों का टोटल सेटअप हो जाएगा 7,500 या 7,000 के नजदीक में. सो आप लोग ये मुझे बताओ कि आप लोगों को सिर्फ टेल बैग पसंद है या फिर आपको लाइक पूरा एडवेंचर बाइक बना के उसमें डालना क्या चाहिए. सो आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट फॉर माई बाइक, दैट्स वाई आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड सोल्यूशन फॉर मी. बाकी अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी सैडल्स है तो यू कैन गो विद दिस. मेरा एक फ्रेंड है देव ओजा, उसके पास डोमिनार 400 है, उसने उसमें सैडल्स लगाए हुए है एंड उसमें उसने वो बहुत अच्छे से उसने टाइप करके रखा था जब वो राइड के ऊपर जा रहा था तब का. एंड उसके पास पिलियन भी था तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है. उसने भी बोला कि भाई साहब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है. इसमें आप लोगों को रेन कवर अलग से मिल जाता है विच इज वेरी गुड थिंग. सो ये तीन बैग्स पैक थे विच आई नो अबाउट इट एंड जो मैंने गूगल में सर्च किया उसके बेसिस पर मैं लोगों को बता रहा हूँ. सो दिस आर दी ऑल बैकपैक्स विच आई नो पर्सनली एंड मैंने अपने फ्रेंड्स को यूज करता देखा, दैट्स व्हाई आई कैन सजेस्ट यू. अगर आप लोगों को देखना हो नॉट टू परचेज, एक बार आपको देखना हो तो यू कैन विजिट योर नियरेस्ट राइडिंग शॉप और एल्स यू कैन विजिट ऑनलाइन वेबसाइट एंड आप लोग वहां पे जाके भी परचेज कर सकते हो. सो दिस आर द रेट्स इन द अहमदाबाद विच आई नो. अगर ये रेट्स भी डिफर करते हैं सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, सब जगह पे डिफर करते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, फिर लाइक मैन्युफैक्चरिंग का तो चलो सेम कॉस्ट रहता है उसमें कुछ नहीं बोल सकते, बट ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैटर करता है प्लस मीडिया कमीशन भी मैटर करता है. सो एवरी स्टेट एवरी थिंग हैज लाइक डिफरेंट प्राइस एंड एवरीथिंग. सो आप एक बार कहीं से भी लीजिए तो एक बार दो बार आप चेक करके ले लीजिए, वरना मत लीजिए. मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं खुद 2.5 साल से राइडिंग कर रहा हूँ, 2.5 साल हो गए मेरे को, बट अभी तक मेरे को लॉन्ग टूर नहीं हुआ मेरा इतना भाई 1,500, 2,000, 3,000 किलोमीटर का एक बार दिया, दो बार हुआ है मेरा, बट उसमें भी मेरा वो बैग ने काम कर दिया था अच्छे से तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आया. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. आप लोगों को तीन बैकपैक कैसे लगे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी आप लोगों को मैं मिलता हूँ एक ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट ब्लॉग. साइनिंग ऑफ दिशांत एंड बी फिट एवरीवन. तो आई होप कि आज का वीडियो में आप लोगों को जो तीन गियर तीन राइडिंग लाइक क्या बोल रहा था मैं यस सो जो तीन राइडिंग के जो लगेज सॉल्यूशन है उसका आपको वीडियो पसंद आया हो एंड आई विश कि हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे. एंड आई डोंट नो आज कितना वीडियो अपने शूट कर लिया, बट यस दिस विल बी कंटिन्यू टिल थिंक दैट आई नो कि भाई जब तक मुझे नहीं लगेगा भाई मैं फालतू का डाल रहा हूँ तो मैं नहीं डालूंगा. अगर मुझे लगता है आप लोगों को यूजफुल में आएगा तो ही मैं डालूंगा. बाकी आप लोगों को मैं मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन बाय.